श्रेया वीडियो शेयर बंद करो सर क्या हाँ अब हो गया देखो अब आवाज आ रही सर यस सर यस सर चलो ठीक एवरीथिंग फाइन तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ठीक है यस सर केमिकल इक्विलिब्रियम देखो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम होता कहाँ पे तो हमें ये कहना होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता है रिएक्शंस में तो अब ये बात आती है कि जो ये रिएक्शंस होते हैं ये कितने तरह के तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी रिएक्शंस दो तरह के होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल अगर हम यही थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे बात करें तो हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे रिएक्शंस दो तरह की होती है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ठीक है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें क्यों रिवर्सिबल की बात करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन इररिवर्सिबल में तो हो ही नहीं सकता ठीक है तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है नेचुरल रिएक्शन है उसमें वो सारी इररिवर्सिबल होती है और उसमें इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं चलो सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन अगर किसी क्लोज वेसल में कराई जा रही है ठीक है तो वो कभी भी मतलब कंप्लीशन की तरफ तो अचीव ही नहीं करेगी क्लियर इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा वो दोनों रिएक्शन मिक्सचर में परसिस्ट करेंगे और अगर उनका अमाउंट इक्वल होता है तो हम कह देते हैं जो हमारे रिएक्शन है वो किसमें है इक्विलिब्रियम क्लियर नेक्स्ट चीज आता है कि ऐसे रिएक्शंस को हमें कैसे कहें कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है तो बेसिकली इस रिएक्शन में दो तरह की प्रोसेस हो रही है जैसा कि अगर हम इस जनरल रिएक्शंस की बात करें वेयर ए रिएक्ट्स विद बी एंड गेट प्रोडक्ट एल प्लस एन ठीक है इसमें दो तरह की प्रोसेस है फर्स्ट जो ये वाला एरो है ये वाला ये दिखा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन को और सेकेंड जो एरो है ये दिखा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड का मतलब ए और बी मिलके एल एंड एम में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली बैकवर्ड में हम ये कहेंगे कि एल एंड एम मिक्स होके ए एंड बी में कन्वर्ट हो रहे हैं ये दोनों अगर रिएक्शन एक साथ होती हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये रिएक्शंस की रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाएगी देन वी हैव द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है नेक्स्ट थिंग आता है कि अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो हम इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करें मैथमेटिकली इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये भी आता है कि जी एक्टिव मास क्या है रेट हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्टिंग का मतलब ए एंड बी ठीक है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ एल एंड एम क्यों क्योंकि बैक जाने के लिए कौन सी रिएक्शन है ये वाली है ना तो इसके लिए तो एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा एल एंड एम ठीक है फॉरवर्ड कौन है ये वाला इसका मतलब इसके लिए एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कौन है ए एंड बी क्लियर अब ये जो छोटे स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा ये क्या है बेसिकली दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अब जैसे हम लिखते हैं आप बहुत फैमिलियर रिएक्शन पढ़ते हो हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने की विधि तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट कराते हो तो आप कहते हो 1N2 एक मोल N2 का प्लस 3 मोल हाइड्रोजन का ठीक है तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि वो किस रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होंगे ए बी किस रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन ठीक है तो इसी रेशियो को
एक्टिव कंसंट्रेशन के पावर की तरह रेज कर दिया जाता है. क्लियर? क्यों? क्योंकि यही रेशियो ही डिफाइन करेगा कि ये इसी पावर में कंबाइन होंगे. अगर यहाँ पे ये वन हो, यहाँ पे टू हो, ठीक है, तो इसका वन मोल और इसका टू मोल चाहिए हमें रिएक्शन के लिए, तब जाके रिएक्शन कहीं कंप्लीट हो. अगर हम इसका वन मोल ले लें इस वाले का, देखो अगर हम इसका केवल वन मोल ही लें तो क्या होगा कि इस वाले का केवल आधा मोल कन्वर्ट होगा अगर 1:2 का रेशियो था. That's why this stoichiometric coefficient is raised over the active concentration as a power. ठीक है? उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर हम इस rate constant को, ये जो rate constant है, basically this is the proportionality constant. Proportionality constant क्यों है? क्योंकि जो law of mass action था, देखो, law of mass action ने क्या कहा? प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब हम यहाँ इक्वल टू की जगह कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं कुछ इस तरीके से. देखो ऐसे लगाते हैं और ये चीज नहीं होती. अगले स्टेप, एक स्टेप और लिखते हैं हम, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते. तो ये बेसिकली के क्या है? रेट कांस्टेंट. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. जो हमारा ऊपर का कॉन्सेप्ट था कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? इक्विलिब्रियम वो है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड है, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया. रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. हमने जब जैसे ही किया रेट ऑफ फॉरवर्ड ये वाली वैल्यू और रेट ऑफ बैकवर्ड ये वाली वैल्यू, यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिया. जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया फिर हमने देखा कि जो KF है, KF के अपान KB अगर हम ले आए तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है कुछ इस तरह. ये मिला जिसमें हम कहेंगे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पावर के फॉर्म में रेज करके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. और यही बेसिकली आपका क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि ये तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसके बेसिस पे हो गया? ये जो कॉन्सेप्ट था ये काइनेटिक्स के बेसिस पे, इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स के बेसिस पे कॉन्सेप्ट था, वो काइनेटिक्स के बेसिस पे था कि काइनेटिक्स अगर दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड की इक्वल हो गई तो वहां पे इक्विलिब्रियम. क्लियर? लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हमें थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम कैसे कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? ठीक है, अब अगर हमें ये कहना हो कि ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली भी इन इक्विलिब्रियम है तब हम कैसे कहेंगे? अगेन हम एक टिपिकल रिएक्शन लेते हैं जहां पे ए बी से रिएक्ट करता है और एल एन एन में कन्वर्ट होता है. तो अब अगेन हम कहें कि अगर हम इसका डेल्जी मिक्सिंग दें, अब ये डेल्जी मिक्सिंग हम पहले से पढ़े हैं. ठीक है? यस सर, यस सर. हाँ, ये डेल्जी मिक्सिंग हम पहले से पढ़े. चलो, तो हमने डेल्टा जी मिक्सिंग अगर हमें देना है तो हम ये कहेंगे कि जो केमिकल पोटेंशियल है प्रोडक्ट का माइनस केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट. क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल क्या बन रहा है? प्रोडक्ट और आपका रिएक्टेंट. तो केमिकल पोटेंशियल एल इंटू केमिकल पोटेंशियल ऑफ एल, एम इंटू केमिकल पोटेंशियल. ठीक है, प्रीवियस यूनिट में. अब डेल्टा मिक्सिंग, डेल्टा आप कहीं भी लगाते हैं तो आप क्या कहते हो? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो फाइनल कौन सा हो रहा है? आपका प्रोडक्ट फाइनली बन रहा है. और शुरुआत कहाँ से किए थे? इनिशियल कौन सा था? रिएक्टेंट का. ठीक है, तो हमने ये कहा कि केमिकल पोटेंशियल सम ऑफ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट. क्लियर? यस सर. ठीक है, अब देखो अगर हमें ये कहना है कि अगर कोई रिएक्शन है वो गैसियस स्टेट में हो रही है तो ये तो एक जनरल फार्मूला हो गया कि डेल जी कैसे देंगे, डेल्टा जी मिक्सिंग कैसे देंगे. तो सभी लोग नेटवर्क में रहो, फिर आपका नेटवर्क बार बार लूज कर जा रहा है. ठीक है, चलो अब हमने क्या किया कि केमिकल पोटेंशियल का जो इक्वेशन थी जो हमने पीछे अभी देखा पिछले पेज पे, उसको हम इम्प्लाइज कर दे रहे हैं.
जो हमारा डेल जी मिक्सिंग का फार्मूला था एल म्यू एल, तो म्यू एल के जगह हमने लिख दिया म्यू एल नॉट प्लस का आर टी एल एन पी एल. अगेन यहाँ पे हमारा था पहले फार्मूले में एम म्यू एम, तो म्यू एम के जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी म्यू एम नॉट प्लस का आर टी एल एन पी एम माइनस ये पूरा का पूरा किसके लिए हो गया, प्रोडक्ट के लिए. अब हम रिएक्टेंट के लिए लेते हैं, ए यहाँ पे था आपकी वैल्यू म्यू ए, तो आप अपना माइक ऑन करके ठीक है. स्टार्ट करें. यस सर. यस सर. यस सर. चलो देखो एल जी मिक्सिंग आपने पीछे पीछे के पेज पे पेज नंबर 21 पे देखा था कि यहाँ वहां पे लिखा था एल मतलब टोटली एक तरीके से लिखा था कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट माइनस केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट, ये दो चीज लिखी. तो वहां पे हम जो एल म्यू एल था उसको म्यू एल को हम चेंज कर दे रहे, यहाँ पे हमने कर दिया म्यू एल के जगह म्यू एल नॉट प्लस का आर टी एल एन पी एल बेसिक फ्रॉम प्रीवियस वन. ठीक है, म्यू को अभी आपने पढ़ा ना, म्यू को लिख सकते हैं म्यू आई इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई, तो आई इज रिप्लेस बाय एल एम ए एन बी, तो ये हो गया एल म्यू एल नॉट प्लस आर टी एल एन पी एल प्लस एम म्यू एम नॉट प्लस आर टी एल एन पी एल, दिस इज फॉर प्रोडक्ट. अब हमें रिएक्टेंट का माइनस करना है, माइनस लगाया पूरे बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, बेसिकली दिस इज ओनली बिलोंग्स टू प्रोडक्ट. फिर अगेन बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट किया ए म्यू ए के जगह हमने लिख दिया म्यू ए नॉट प्लस का आर टी एल एन पी ए प्लस म्यू बी के जगह लिख दिया बी म्यू बी नॉट प्लस का आर टी एल एन पी बी, अगेन बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया. नाउ ओपन द बिग ब्रैकेट एंड रीअरेंज द इक्वेशन, एब अब इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया. रीअरेंज किया तो म्यू एल नॉट प्लस का एम म्यू एम नॉट माइनस अगेन दूसरे ब्रैकेट में ए म्यू ए नॉट प्लस बी म्यू बी नॉट, ये एक साथ ले लिया, इन सारे को एक साथ ले लिया प्लस का यहाँ पे हो गया आपका आर टी, क्योंकि आर टी सब में कॉमन है तो हमने आर टी पहले से ही कॉमन ले लिया आर टी एल एन पी एल. चलो देखो दुखी मत. देखो हम बता रहे हैं ये देखो अगर हम इस ए को अगेन लिसन इस ए को हम मल्टीप्लाई करें तो इस आर टी के पास मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा प्लस आर टी में भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर. ये हो जाएगा म्यू ए नॉट प्लस का ए आर टी एल एन पी ए. अब इस ए को अगर हम एल एन में ले जाएं ये हो जाएगा आर टी एल एन पी ए की पावर ए होगा. इसी तरह जितने भी एल एन के पार्ट थे सारे एल एन के पार्ट में सारे एल एन के पार्ट में पावर आ जाएगा. क्लियर है? यस सर. ठीक है चलो अब देखो ये वाली जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो हम जो पीछे डेल्जी मिक्सिंग लिखे थे वो कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे सारे का स्टेट प्योर है, नॉट के फॉर्म में है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर इन प्योर स्टेट, तो इसको हम डेल्जी नॉट कहते हैं. ये क्या हो गया हमारा डेल्जी नॉट. क्लियर? यस सर. और रेस्ट को हम अब आपको पता है कि एल एन एम प्लस एल एन एन को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा एम इंटू एन प्लस एम डिवाइडेड बाई एन को अगर हम एल एन के फॉर्म में लिखते हैं तो जो प्लस में होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको लिख दिया डेल जी नॉट, आर टी पहले से ही था, पी और एम चूंकि प्लस में थे एम और एल वाले क्वांटिटी ये एम और एल वाले, तो हमने इनको क्या कर दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म. क्लियर? अगेन जो ये माइनस है ये वाला माइनस ये सारी की सारी क्वांटिटी जो माइनस में है वो चले आएगी डिवीजन में, तो पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी ये क्या हो गई डिवीजन में चले गए. दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये कुछ और नहीं क्या है लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज की. क्लियर? क्लियर ना? यस सर. यस सर. अब देखो अगर आप पीछे से देखो तो हम इस पूरे क्वांटिटी को हम कह सकते हैं कि ये केपी है प्रेशर के फॉर्म में. पहले हमने कंसंट्रेशन लिखा था तो हम के लिख रहे थे,
केसी लिखते हैं, जनरली के को केसी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हमने प्रेशर लिख लिया तो हम देखेंगे ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने आपको यहां तक बता दिया, देखो यहां तक तो फाइन है, ये वाली इक्वेशन हो गई। Yes, ये लॉग की अगेन प्रॉपर्टी हमने ले ली, ये हमने केवल लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। तो अब अगर इस इसके इस कंपोनेंट की अगर हम बात करें, केवल इस कंपोनेंट की बात करें, देखो ये जो एलएन में है ये वाला कंपोनेंट, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज अ टाइप ऑफ केपी। ये केपी है, कह सकते हैं। Yes, sir. अगर ये इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम में हो तो ये केपी है, और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं हो तो ये क्यू हो जाएगा। रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन कहते हो सर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लिख दें तो ये केपी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर हम नहीं सर, उसमें कैपिटल एफ है और उसमें इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ले लिया जाता। सर काफी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर, काफी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। ये केपी और ये क्यू वाला कुछ समझ में नहीं आया। केपी और क्यू में मैंने थोड़ा सा अंतर बताया कि जब इक्विलिब्रियम अचीव कर जाता है, जैसे देखो इक्विलिब्रियम का अगर हम प्रेशर लें, इक्विलिब्रियम का प्रेशर लें रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो हम इसे लिखते हैं के। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे ले लें, जैसे मान लो अभी हमने रिएक्शन लगाई और इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, उस टाइम पे हम प्रेशर या कंसंट्रेशन ले लें तो हम उसे क्यू लिखते हैं, और इसे हम रिएक्शन क्वेशन कहते हैं। सर तो यानी केपी जो है वो क्यू के इक्वल होता है। क्यू के इक्वल तब होगा जब इक्विलिब्रियम हो, पर्टिकुलर टाइम पर शायद। केपी क्यू के इक्वल तब होगा जब इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा। तो सर आपने यहाँ पे क्यू क्यू लिखा केपी की जगह, बताया कि अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखते, ये इक्विलिब्रियम का प्रेशर है, ये इक्विलिब्रियम का प्रेशर है, ये इक्विलिब्रियम का है, मतलब ये प्रोडक्ट के लिए और ये रिएक्टेंट के लिए इक्विलिब्रियम का प्रेशर है, तब जो हमारा यहाँ पे जो क्यू लिख रहे हैं, Q will be changed in KP. Nothing but this, there is only basic difference. Both are same, but जब हम लिख सकते हैं delg mixing not plus का RTL and Q, ये हम लिख सकते हैं। Yes sir. ठीक है, अगर हमारा Q क्या है ये पहले देख लो, Q reaction quotient है। अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव है तो क्यू क्या होगा, केपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम ये कहें कि जब क्यू केपी में कन्वर्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, और इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो डेल्जी मिक्सिंग जीरो आएगा। Yes, sir. क्यों, क्योंकि यही तो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलो डेल्जी मिक्सिंग को हम अगेन क्या करें, रख दिए जीरो। जब डेल्जी मिक्सिंग जीरो रखे तो क्यू देखो के में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, अपने आप हो गया। हाँ, कंडीशन अचीव हो गई ना इक्विलिब्रियम की। तो जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हुई, Q will be changing K. ये Q अब यहाँ पे K में चेंज हो गया, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि जो डेल जी नॉट है, क्या किया हमने, साइड चेंज कर दिया, इसको इस साइड से इस साइड भेज दिया, तो जो डेल जी नॉट आया वो आया माइनस का आर टी एल एन के, क्लियर। यस सर। Yes, yes, sir. ठीक है। अब देखो हम यहाँ तक आ गए, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस का आरटी एलएन। अब हमने क्या किया कि इस आरटी को अगेन इस साइड भेज दिया, यहाँ पे क्या ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में हो गया माइनस डेल जी नॉट अपॉन आरटी। आपको हमने बेस चेंज करना सिखाया है। अगर हमें यहाँ से के निकालना हो तो चूंकि एलन का बेस क्या होता है, ई होता है। यस सर। एक्सपोनेंट का बेस क्या होता है, ई होता है। तो हम कहेंगे कि जो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये कहाँ चली जाएगी, ई रेस टू द पावर
में डेल जी आरटी तो यहां से आ जाएगी आपकी वैल्यू के इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर क्लियर यस सर अब देखो यहां पे दो कंडीशन है दो कंडीशन क्या है पहली कंडीशन ये कि जब q छोटा हो kp बड़ा q छोटा कब होगा kp बड़ा कब होगा ओबियस है कि अभी इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं हुआ है तभी तो q छोटा होगा अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा तब तो क्या होगा q इक्वल्स टू kp इसका मतलब ये है कि अगर हमने इक्विलिब्रियम से पहले ही कंसंट्रेशन चेक कर लिया तो वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ये दिस कांसेप्ट ये भी कह सकते हैं कि आप इसे 12th में भी पढ़ते हो क्लियर यस सर अगेन देखो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्यू जब बड़ा हो जाए केपी से इसका मतलब क्या है कि अब हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर गए और इक्विलिब्रियम से भी आगे बढ़ गए इसका मतलब ये है कि अब बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड पे डोमिनेट कर गए जो रिएक्शन हमारी है वो फॉरवर्ड की बजाय बैक डायरेक्शन में जा रही है क्लियर यस सर वेरी सिंपल एंड बेसिक फ्रॉम 12th चलो अब तो हमने क्या किया कि पहले गैसियस कंपोनेंट के लिए लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन हो एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाया जाए या लिक्विड में सॉलिड मिलाया जाए जहां पे हम स्पेशली कंसंट्रेशन की बात कर सके क्लियर पार्शियल प्रेशर तो खत्म अब अगर हमें कंसंट्रेशन की बात कर सके तो वहां के लिए क्या होगा इस केस में अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर सकते हैं तो हम ये कहेंगे देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने बेसिक से पढ़ा है पीवी इक्वल टू एनआरटी केपी से छोटा है तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में जा रही है अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है क्यों केपी से छोटा है सॉरी बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इक्विलिब्रियम क्रॉस कर चुकी है ठीक है yes. हाँ सर क्योंकि अगर KP को भी रिएक्टेंट के तरीके से देखें तो अगर रिएक्टेंट ज्यादा है हमारे पास तो प्रोडक्ट तो मिलेगा मिलेगा अगर KP कम है तो रिएक्टेंट बच जाएगा हाँ और अगर ये दोनों बराबर होगा इसका मतलब यही है कि हाँ इक्विलिब्रियम अचीव हो ठीक है सेकंड चीज हमने बताई कि सपोज करो कि हमें कोई रिएक्शन हमने ये बताया कि कोई रिएक्शन हम लिक्विड फेज में अगर हम लगा रहे हैं Yes, अब तक तो हमने प्रेशर के पार्शियल प्रेशर के टर्म में बात की पीआई के टर्म में अब देखो अगर हमें कोई रिएक्शंस लगाई है जो कि सॉल्यूशन फेज में ठीक तो क्या होगा कि हम इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आपने पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी क्लियर तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम पी ए की बात करें तो इसलिए हमने ए नहीं बी नहीं सी ए बी सी एल एम छोड़ तो हमने एक नॉर्मल टर्म ले लिया आई ठीक है देखो ये आई टर्म है I टर्म के लिए लिख सकते हैं PI equals to NI RT ठीक है V को क्यों नहीं लिखते क्योंकि V तो पूरे वेसल का है तो ये कांस्टेंट रहेगा पूरे वेसल के लिए चाहे वो I टर्म हो चाहे M टर्म हो चाहे N टर्म हो कोई भी टर्म हो तो हम PI लिख सकते हैं NI / V RT और अगर हम इसे ध्यान से देखें इस क्वांटिटी को ध्यान से देखें इस क्वांटिटी को ध्यान से देखें तो ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को कंसंट्रेशन इसका मतलब ये क्या हो गया एक कंसंट्रेशन टर्म हो तो कंसंट्रेशन के लिए हमने सी वर्ड यूज कर लिया कि सी इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन और पी था वहां पे प्रेशर को रिप्रेजेंट कर क्लियर यस सर तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा केपी है केपी को हम कुछ इस तरीके से राइट कर जहां पे पी आई लिखा था उन सबको चेंज कर दो सी आई के फॉर्म में सी आई आर टी के फॉर्म में ठीक है तो केपी को अगर ध्यान से देखो ये आपने लिखा था केपी ये है ना केपी यही है केपी को देखो पी आई एल की पावर एल पी एम एम की पावर एम पी ए की पावर ए पीबी की पावर पीबी सॉरी पीबी पावर बी सेम चीज को हमने अब लिख दिया यहाँ पे पी आई की जगह सी आई आर टी की पावर एल सॉरी सी एल आर टी की पावर एल सी एम आर टी की पावर एम ये चीज हमने यहाँ पे लिख देख
सी एल आर टी की पावर एल सी एम आर टी की पावर एम सी ए आर टी की पावर ए सी बी आर टी की पावर बी. क्लियर है? Yes, sir, अब यहाँ से क्या करोगे, आर टी वाले टर्म को अलग कर दो, इस पावर को दोनों पे इंपोज कर दो, ये हो जाएगा सी एल की पावर एल सी एम की पावर एम सी ए की पावर ए सी बी की पावर बी प्लस आर टी की पावर एल प्लस एम माइनस ए माइनस बी. यही ना, जो ऊपर होगा ये प्लस प्लस, जो ऊपर होगा वो प्लस हो जाएगा, जो नीचे होगा वो भी प्लस हो जाएगा, लेकिन जब इसको ऊपर रेज करोगे तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. यस सर. यस सर. क्लियर है? यस सर. तो इस पूरे टर्म को अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन. This is nothing but equilibrium. चलो अब देखो, same जो value थी उसको हम लिख सकते हैं कि Kp equals to Kc RT की power delta Ng, जो gaseous component होंगे उनके moles को हम subtract कर सकते. क्यों? ये क्या value थी वहाँ पीछे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये थी RT की power L plus M minus A minus B. यही था ना? तो हम इसको लिख सकते yes, sir, हैं डेल्टा एन जी गैसियस कंपोनेंट्स के मोल का डिफरेंस. ठीक है, तो यहां से आपकी इक्वेशन आ गई Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी. तो ये हो गया, जो Kc है वो रिएक्शन कांस्टेंट है एक तरीके से, और किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म. ये हमने दिखाया भी कि एन वाई वी को हम लिख सकते हैं, बेसिकली एन वाई वी इज मोलैरिटी, तो हम उसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन सी. अब रही बात ये कि अगर हम प्योर सॉलिड ले लें, प्योर लिक्विड ले लें, तो जो ये एबव इक्वेशन है वो इक्वेशन अप्लाई नहीं की जा सकती. ठीक है, क्योंकि अगर प्योर सॉलिड होगा तो वो कोई कंसंट्रेशन बनाएगा ही नहीं, प्योर लिक्विड होगा तो उसमें कोई पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं होगा अगर गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. तो इन दोनों केसेस में ये केपी केसी वाले इक्वेशन फेल कर जाए. ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम म्यूएल लिखे तो म्यूएल नॉट प्लस आर टी एल एन पी नॉट और एल एन पी नॉट की वैल्यू जाएगी जीरो. यहां से भी हम कह सकते हैं, तो इस ऐसे इक्वेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशंस के लिए हम अगेन जाते हैं राउल्ट्स लॉ के पास. राउल्ट्स लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट में है तो सॉलिड और लिक्विड है. हाँ, प्योर स्टेट में रहेंगे तो इसलिए ये पीछे भी पढ़ चुके हो कहाँ पे, आप केमिकल पोटेंशियल सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन ये वहां पे हो चुका है. तो अब ऐसे केसेस के लिए जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड बच जा रहे हो या फिर कोई रिएक्शन हमने बनाया और उस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन हो गया, तो जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बना हो तो प्योर सॉलिड स्टेट में चला गया. ठीक है, प्रेसिपिटेट बन गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम राउल्ट्स लॉ से मदद ले सकते. राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. और पूरी इक्वेशन आती है जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम लिखते हैं पी आई इक्वल्स टू एक्स आई पी. ये पी क्या है, टोटल प्रेशर. ये पी आई क्या है, पार्शियल प्रेशर. देखो ये है आपका टोटल प्रेशर और KPI क्या है, पार्शियल प्रेशर. हाँ, पार्शियल प्रेशर. ठीक है, इसे हम फिर से वैसे सॉल्यूशन में भी पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे. क्लियर, ये पार्शियल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर. अब हमने क्या किया कि जो PI हमारे इक्वेशन में था पहले उसके जगह हमने XIP के फॉर्म में लिख दिया सारी वैल्यू. तो KP हम लिखे थे PI, जिसका भी PI लिया था L का, L की पावर L हुआ करता था, M होता तो M की पावर M था. सेम चीज हमने क्या किया कि पी आई के जगह एक्स आई पी लिख दिया, तो यहाँ पे लिखा एक्स आई एक्स एल पी की पावर एल एक्स एम पी की पावर एम एक्स ए पी की पावर ए एक्स बी पी की पावर बी. क्लियर, अब ये पी तो क्या है, टोटल प्रेशर है. अब अगेन इस एल को या इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, इस पावर को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक्स एल की पावर एल एक्स एम की पावर एम
डिवाइडेड बाई एक्स आई की पावर ए एक्स बी की पावर बी, यहाँ पे क्या होगा p की पावर l प्लस m माइनस a प्लस b, यही ना? Yes, sir. ये तो हो जाएगा ना, अगेन ये क्या होगा, ये जो हो जाएगा p की पावर l इंटू p की पावर m, तो हम कह सकते हैं p की पावर l प्लस m, और नीचे आ जाएगा p की पावर a प्लस p की पावर b, तो अगर ऊपर ले जाओगे इसको तो ये हो जाएगा p की पावर m प्लस l माइनस ब्रैकेट में a प्लस b, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगेन देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म है हमारा, अगर इस टर्म को ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन किसके टर्म में है, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन के टर्म में है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ एल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिया गया है, क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि kp equals to kx p की पावर डेल्टा एन, ये उस रिएक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें सॉलिड लिक्विड गैस भी बन रहे हैं सारे के टर्म, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कैसा टर्म है हमारा, ऐसा टर्म है जो सबके लिए इम्प्लाइज किया जा सकता है, जैसे दो गैसेस को मिक्स कर दें, दो सॉलिड को भी मिक्स कर दें, कितने कितने मोल मिक्स हो रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। और ये मोल फ्रैक्शन की अच्छी बात यह भी होती है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, does not depend on temperature, ठीक है? वो सारे concentration terms जिसमें volume आता है, वो concentration terms temperature पे depend करते हैं, other concentration terms नहीं depend करते, इसलिए हमें mole fraction वाला term बहुत अच्छा है।